सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। माई नेम इज सौजन्य और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई अपलोड इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर वी डिड अ स्मॉल ट्रिप टू द सिटी ऑफ जयपुर। वी वर देयर इन जयपुर फॉर अ स्पैन ऑफ 4 days। Now, as you must be aware, Jaipur is famous for its monuments. There are many palaces and forts which you can see in Jaipur. Now, one of the forts which we covered in Jaipur was a fort by the name called as Bhangar. अब इस जगह के introduction के किसी को ज़रूरत नहीं है। I think all of us know what Bhangar is. But अगर किसी को पता नहीं है, तो मैं बता दूँ कि Bhangar is considered as one of the most haunted places in India. तो जैसे ही कोई ये बताता है कि मैं भानगर जाके आया हूँ, उसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस ये है कि क्या आपने वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस किया, क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं एंड में आपको एक लॉजिकल वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या फिर इसके बारे में जो भी स्टोरीज आपने सुने हैं वो सिर्फ एक अफवाह है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मुझे आपको ये समझाना है कि भानगर का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे है। अब भानगर सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि ये एक पूरा शहर है और इस शहर में आपको किले के अलावा मंदिर देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के 5 मंदिर है। मंदिर के अलावा यहाँ पे आपको एक मार्केट प्लेस देखने मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस आपको देखने मिल सकते हैं। नो डाउट अभी यहाँ की जो सिचुएशन है वो ये है कि ये सारे प्लेसेस जो मैंने आपको बताया ये सब अभी रूइंस में है, बट फिर भी आपको एक अच्छा अनुभव यहाँ पे मिल सकता है। सो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस, दैट इज भानगर फोर्ट। अब जब आप किसी भी जगह पे जाते हो तो नॉर्मली आप वहाँ के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हो कि आपको वहाँ पे क्या देखने मिल सकता है। सो भानगर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। अभी इंटरनेट पे तो उसके बारे में बहुत सी स्टोरीज अवेलेबल है कि एग्जैक्टली वहाँ पे पहले क्या हुआ था, क्यों इसको हॉन्टेड कंसिडर किया जाता है। जिसमें एक बहुत बड़ी फेमस स्टोरी है और वो है वो मांत्रिक और राजकुमारी की। बेसिकली कोई भी स्टोरी हो, बट उसका अंत यही होता है कि भानगर इज अ कर्स्ड फोर्ट। अब जब आप ऐसे स्टोरीज सुनते हो तो डेफिनेटली आपके माइंड में थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो जैसे ही हम लोग अंदर जाने लगे वो डर थोड़ा और बढ़ने लगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऐसे कुछ सुन के जाते हो सो आपका माइंड आपके साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है, आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हो। सो ये मेरे साथ हो रहा था। अब एक चीज़ थी जो मैंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस की भानगर में और वो थी नेगेटिविटी। अब आप किसी भी जगह पर जब जाते हो तो आप यूजुअली एक्साइटेड रहते हो कि आपको एक नई जगह एक्सप्लोर करने मिलने वाली है। एटलीस्ट मैं तो बहुत रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जिधर किधर भी गया पूरे भानगर में, जैसे मैंने पहले बोला था कि भानगर एक छोटी सी जगह नहीं है, एक बड़ा टाउन है, लेकिन जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे मुझे कभी भी एक पॉजिटिव वाइब्स कभी नहीं आए। पूरे टाइम पे इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि एक पूरा डल एनवायरनमेंट था। दो इट वॉज डे टाइम, बट कभी भी ऐसे मतलब पॉजिटिव वाइब्स कभी भी नहीं आए। पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्लेस के साथ कुछ शायद बुरा हो गया है पहले। एक ऐसे एक वाइब आता है आपको कि आपको लगता है कि शायद इस प्लेस ने अपने पास्ट में बहुत कुछ गलत देखा है। सो ऐसे कुछ वाइब्स डेफिनेटली आ रहे थे। अब ऐसे एक जगह पे हम लोग गए थे भानगर में, जहाँ पे मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लगी थी, जहाँ पे मुझे डर भी लगा था। आई बी वेरी ऑनेस्ट। और इस जगह पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली ये एक पैलेस है यहाँ के किंग का। अभी तो ये बिल्कुल एकदम खंडर की तरह है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अभी फ़िलहाल भानगर पूरे रूइंस में ही है। सो यहाँ का माहौल एकदम थोड़ा सा डरावना था, मे बी बिकॉज हमने स्टोरीज बहुत सुने थे, पता नहीं। बट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा था। अभी ये पैलेस देखने के बाद हम लोग मार्केट प्लेस की तरफ गए। मार्केट प्लेस देखने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ गए। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे टोटल 5 टेम्पल्स है। ये टेम्पल्स के जो कार्विंग्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखने जैसी चीज़ है यहाँ पे। सो इसे डेफिनेटली आप मिस मत कीजिए। यहाँ पे ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ टेम्पल्स के अंदर यहाँ पे आइडल्स नहीं है, इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, बट ऐसे कहा जाता है। हमने देखा भी कि कोई कोई टेम्पल्स के अंदर यहाँ पे आइडल्स नहीं थे।
अब टेम्पल्स देखने के बाद हम लोग मेन पैलेस की तरफ गए, या फिर जो मेन फोर्ट है बांगर का, वहाँ पे गए। अभी यहाँ पे आपको ऊपर क्लाइम करना पड़ता है, और क्लाइम करने के बाद आप एक ऐसी जगह पे पहुँचते हो जहाँ से आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है पूरे बांगर का। हम लोग यहाँ तक गए और उसके बाद हम लोग वापस आए। हॉन्टिंग तो नहीं एक्सपीरियंस हुआ, बट डेफिनेटली जैसे मैंने बार बार बोला है ये वीडियो में कि नेगेटिविटी ज़रूर थी, पॉजिटिव वाइब्स हमको बिल्कुल नहीं मिले ये प्लेस में। तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत मैंने बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या भानगर सच में हॉन्टेड है। द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि आप भानगर में किधर भी जाओ, ओके, कहीं पे भी ऑफिशियली ये नहीं लिखा है कि दिस इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। आई नो कि ऐसा ऑफिशियली लिखा भी नहीं जा सकता है, बट मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि ये जो स्टोरीज है ना, या फिर इसके इस प्लेस के सराउंडिंग जो मिथ्स है, वो मैक्सिमम इंटरनेट से आते हैं। इंटरनेट या फिर हमारे ग्रेट न्यूज़ चैनल्स पे आपको बहुत सा कंटेंट मिलेगा, और इवन यूट्यूब पे आपको बहुत सा कंटेंट मिलेगा जो क्लेम करेगा कि दिस इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। अभी आपने एक और कॉमन चीज़ बहुत सुनी रहेगी भानगर के बारे में, और वो है कि यहाँ पे सनसेट के बाद यू नो पीपल आर नॉट अलाउड टू स्टे ओवर हियर, यहाँ पे टोटली मतलब कोई अंदर जा नहीं सकता है, और ये फोर्ट बंद होता है सनसेट के बाद। सो गाइज, गिव मी द नेम ऑफ एनी वन फोर्ट विच इज़ अंडर ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी फोर्ट नहीं होता है जो ASI के अंडर है और जो पूरे टाइम खुला होता है। सो बेसिकली दिस टाइम रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट ओनली फॉर भानगर, ओके, भानगर हॉन्टेड है इसलिए टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दिस रिस्ट्रिक्शन इज़ फॉर एनी डैम फोर्ट विच कम्स अंडर ASI। सो ये फैक्ट को बहुत रॉन्गली प्रोजेक्ट किया जाता है कि सनसेट के बाद यहाँ पे अलाउड ही नहीं करते किसी को। तो डेफिनेटली यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज़ कि हम लोग जब वहाँ पे टेम्पल में गए थे, भानगर के एक टेम्पल में, तो वहाँ पे दो लोकल्स थे, ओके। सो आउट ऑफ क्यूरियासिटी आई वेंट टूवर्ड्स देम एंड आई आस्क कि भाई हमने ये सब चीज़ें यहाँ के बारे में सुनी है तो क्या ये सच है। सो उन्होंने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। ही वॉज लाइक कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, वाई सो मच ऑफ बज अराउंड दिस प्लेस, इतना क्यों बोला जाता है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। मुझे लगता है कि दिस कैन बी टोटली फॉर द पर्पज ऑफ बूस्टिंग टूरिज्म। अगेन माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ वॉट आई फील। नाउ वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, नाउ जस्ट इमेजिन, ओके, दिस प्लेस इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 82 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। अभी राजस्थान में अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिस आर द प्राइमरी स्पॉट्स वेयर पीपल गो। नाउ ये तीनों जगह से ये प्लेस बहुत ही दूर है। नाउ जस्ट इमेजिन, वाई विल एनी वन गो, ओके, वाई विल एनी वन गो टू अ रुइंड फोर्ट ऑफ भानगर विच इज़ at a distance of 82 kilometers at least from Jaipur, I'm saying। अगर कोई creepy story वहाँ पे है तो शायद लोग attract हो सकते हैं, और attract हो भी गए हैं। That is why even we went over there. The only reason we went over there was because of all the stories that we had heard. So that can be a possibility. So these were all the points about Bhangar which I wanted to say. Now अभी ये सब points सुनने के बाद do I come to a conclusion कि Bhangar is not at all haunted? And the answer is no. It may be haunted, it may not be haunted, you know, I am not an expert in this field. तो अगर थोड़े common sense से अगर बात की जाती है तो शायद कोई भी fort haunted हो सकता है, क्योंकि हर एक fort का एक past होता है, और उस past में काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर जान दी होती है या फिर वो मर गए होते हैं। सो डेफिनेटली ये तो हो ही सकता है कि भानगर और भानगर की तरह बाकी सारे forts भी शायद haunted हो, लेकिन ये totally मानने या ना मानने के ऊपर depend है। मैं इन चीज़ों में डेफिनेटली बिलीव करता हूँ, लेकिन येस, मैंने भानगर पे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छे के साथ ही साथ आपको कन्विंसिंग लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो कन्विंसिंग लगा है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइए, और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है भानगर के बारे में तो वो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए।